फ्रेंड्स, पत्ता गोभी की ऐसी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपने शायद ही कभी बनाई होगी, और इस तरीके से नहीं बनाई होगी। रेसिपी तो आपने बनाई होगी पत्ता गोभी की, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे पास ये छोटी दो पत्ता गोभी थी इसलिए मैंने दो ली है, और छोटी है इसलिए मैंने दो ली है, आप बड़ी हो तो एक भी ले सकते हैं। और देखिए मैं कैसे कट लगा रही हूँ, वीडियो में आप देख सक रहे होंगे, ऐसे ही इसे कट लगाना है, ऊपर से और नीचे से इसे छोड़ देना है, और आजू बाजू में अंदर तक इसे कट लगाना है, और ये खुले नहीं पूरी तरह से, ऐसा इसे कट लगाना है। अभी लहसुन ले लिए हैं मैंने, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लहसुन है तो बीच में से मैंने कट करके और इसे स्लाइस कर लिया है, और ये जो पत्ता गोभी को हमने कट लगाया है ना उसमें हम ये लहसुन को डाल देंगे। तो ऐसे ही दोनों पत्ता गोभी को मैं कट करके और इनमें ये लहसुन जो ज्यादा बड़े हैं उनमें बीच में से कट लगा के और फिर मैं पतली स्लाइस करके इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैंने एक पत्ता गोभी में डाल दिया है लहसुन को, और अभी मैं दूसरी पत्ता गोभी में भी ऐसे ही इसे कट लगा के और ये लहसुन इसमें भर दूंगी, जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इसे बनाना है। तो ये देखिए इसमें भी मैंने लहसुन डाल दिया। अभी मेरे पास ये बहुत पुराना फॉइल पेपर था, पहले मैं इसमें इसे लपेट रही हूँ तो थोड़ा सा बचा था, इसलिए मैंने सोचा इसको यूज तो करना है तो ऐसे यूज कर लेती हूँ। अभी ये पत्ता गोभी का पीछे का डंठल रहता है ना, वहां से वो डंठल का भी थोड़ा सा हिस्सा निकाल देना है, और अब मैं नया फॉइल पेपर ले रही हूँ, उसमें मैं इन दोनों पत्ता गोभी को वापस में लपेट रही हूँ, तो दोनों को नए फॉइल पेपर में वापस में लपेट लूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों को अच्छे से सील कर दिया है एकदम, तो दोनों पत्ता गोभी को अभी गैस की तरफ चलते हैं। गैस चालू कर दिया और उस पर रख दिया है मैंने ये जाली, और इस पर रख दूंगी मैं ये पत्ता गोभी, और बस इसे थोड़ी देर ऐसे लो फ्लेम पे हमें भून लेना है अच्छे से। जब ये भून जाती है तो इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक बार मैं गाँव गई थी शादी के बाद, तो वहां पे गाँव में ऐसे ही सब्जी बनाई थी, तो वो चूल्हे में उन्होंने भुना था, जो चूल्हे की आग रहती है ना उसमें फॉइल पेपर में गोभी लपेट के और फिर वो आग में डाल दिया था, तो वो अच्छे से भून गई थी। तो यहाँ तो चूल्हा नहीं है तो मैं फिर ये मैंने इसमें ही सेक लिया है गैस पे, और बहुत अच्छे से इसका ये सिक भी जाती है फ्रेंड्स अंदर से। तो ये ऐसे ही अलटते पलटते देखिए 4-5 मिनट में अच्छे से भून चुकी है। अभी ठंडा होने के बाद फॉइल पेपर इससे अलग कीजिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। ये बाहर से तो ठंडा हो जाता है लेकिन अंदर से ये बहुत गर्म रहता है, तो अभी भी ये गर्म है जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो। और देखिए हमारी पत्ता गोभी एकदम अच्छे से भून के रेडी है, ऊपर से ये जो छिलके हैं इनके ये थोड़े से जल जाते हैं, तो इन्हें बाद में निकाल देना है, इन्हें यूज नहीं करना है। ऊपर का जो छिलका रहेगा वो निकाल देना है। सेकेंड वाला भी मैं इसका फॉइल पेपर निकाल रही हूँ, तो इसका भी ये फॉइल पेपर निकाल दिया है, तो देखिए ये भी ऊपर से थोड़ी सी जल चुकी है, मतलब एक एक परत जो रहती है ना लेयर इनकी वो जल जाती है, और ये लहसुन इनमें मैंने निकाल दिए हैं, जो निकल रहे हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और ये जला हुआ पार्ट इसे निकाल देना है, नहीं तो इसका स्वाद अलग हो जाएगा जो हम बनाएंगे सब्जी। तो ये मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये, तो वहां तो मैंने खाई थी बाजरी की रोटी के साथ, तो ये बहुत, अभी मेरे पास बाजरी का आटा नहीं है तो मैं तो गेहूं की रोटी के साथ ही इसे खाऊंगी। और ये देखिए बहुत अच्छे से एकदम इजीली कट गई है, बहुत अच्छे से अंदर से पक भी गई है, भुन गई है एकदम अच्छे से, बहुत सॉफ्ट हो गई है ये। अभी मैं इसे बारीक बारीक कट कर रही हूँ, जैसे हम पत्ता गोभी की सब्जी बनाते कट करते ना वैसे इसे कट कर लेना है, और जो ये लहसुन बचे हैं इसमें जो निकले हैं ना इसके साथ ही भुन गए थे, वो लहसुन भी इसी में कट करके डाल देना है ये पत्ता गोभी में। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ, तो एक कढ़ाई रख दी, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ज्यादा तेल नहीं डालना है, और राई जीरा डाल दिया है, ये अच्छे से हो चुके हैं, तो ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, हरी मिर्ची मतलब ये लाल मिर्ची भी है लेकिन फ्रेश मिर्ची है, सूखी मिर्ची नहीं है, तो ये मिर्ची अच्छे से भुन चुकी है, राई जीरा भी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज डाल रही हूँ, तो बारीक कटी हुई प्याज डाल देनी है इसमें, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा लहसुन जो उसके पत्ता गोभी के साथ भुन गया था, लेकिन ये कच्चा लहसुन मैं और डाल रही हूँ इसमें, तो अब जो गोभी हमने कट करके रखी थी वो इसमें डाल देनी है। तो बस ये हमारी सब्जी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, सब्जी बना रहे तो हल्दी तो चाहिए इसमें, तो वो हल्दी भी मैंने डाल दी है,
और अब मैं डालूंगी इसमें नमक, स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और डाल रही हूँ इसमें मैं टमाटर बारीक कटा हुआ, क्योंकि पत्ता गोभी है तो ये थोड़ा सूखी सूखी रहती है, तो नमक जो टमाटर का जो जूस निकलेगा इसमें से जो पानी रिलीज होएगा उससे थोड़ी पत्ता गोभी गीली हो जाएगी, तो सब्जी बन के रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपने कभी नहीं बनाई होगी इस तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो आप, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आती रहूंगी। तो कल फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।